देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मकान कभी जमीनें जो है वो धीरे धीरे पानी में जाते जाते, तो ऐसे में अक्सर जो काश्तकार और जमींदार बड़े कहलाया करते थे, आज वो और उनके घर वाले वो सब रिक्शा चला रहे हैं या फिर कहीं मजदूरी कर रहे हैं। तो और ज़्यादातर के पास अब काश्तकारी की ज़मीन बची नहीं, बहुत सारी जो है उनकी ज़मीनें पानी में जा चुकी हैं, मकान जा चुके हैं। ये हर साल का मामला है, तो हर साल जो लोग हैं वहाँ पे या जो लोकल पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके पास सैलाब जो है वो मुद्दा नहीं बन पाते, वो बाकी चीज़ों को सामने रख के दो तीन इशूज़ पे काम करते हैं। और चूँकि मुसलमानों की एक बड़ी आबादी वहाँ रहती है, तो उनके पास जो एक जो इलेक्शन के टाइम पे जो एक दो मुद्दे होते हैं जो आमतौर पे मुसलमानों को ऊपर हलाने के लिए या बहलाने के लिए जो सारी पार्टियाँ यूज़ करती हैं, वहाँ भी उस वक्त जो लोग होते हैं वो चूँकि इतनी गुर्बत है वहाँ पर और इलेक्शन में वोटों का भी एक तरह का कारोबार सा बन गया है, तो वो जो वोटों की खरीद बिक्री का निज़ाम है वो वहाँ भी उसी तरह से काम करता है। तो इसलिए सैलाब का मुद्दा जो है वो कभी वो सामने सरफेस पे आ नहीं पाता और एक तहरीक नहीं बन पाता। अभी जब 2008 में जो सबसे 87 में भी बहुत बड़ा सैलाब आया, तो उसके बाद 2008 में आया जब कोसी ने अपना रुख बदल लिया, है ना। उस वक्त मधेपुरा सुपौल के जो गाँव के गाँव वो इसमें चले गए पानी में, वो तो दो UNDP ने रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट के आधार पे वर्ल्ड बैंक ने 5 ज़िलों को अडॉप्ट किया, उनमें से सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और अररिया है, ये था जो सबसे ज़्यादा तबाह हुए थे उस टाइम पे। उस परंपरा पर गणेश महोत्सव के पीछे ही जो तिलक जी का एक ध्येय था कि किसी तरह छुआछूत कदम सब बराबर के सम्मान में आए और कैसे सामूहिकता में एक समाज को समाहित करके रखा। बाल क्षेत्र से आए हैं, लोटन हमारा घर है और इसको डायरिया हो गया है, जब पेट ज़्यादा चल रहा है तो उल्टी बहुत ज़्यादा होता है, खाने पीने में बहुत ज़्यादा खा 20 दिन से तो खाना ही नहीं खाया है। कहाँ से आई हो? बाढ़ क्षेत्र से आई हो। कितना दिक्कत था आपकी लड़के से? बहुत दिक्कत, 15 दिन हो गए ये भर्ती है। जब से बाढ़ आई तब से लेके भर्ती करे, नौकर दवाई कराओ और वहाँ करो लुचका दवाई करो ली है, अजगरा दवाई करो ली, अजगरा बाढ़ क्षेत्र है। स्वास्थ्य विभाग पहले से सतर्क है और सब नजर रख के पूरा करते हैं कि उस व्यवस्था के देखिए पूरी कार्य योजना हमारी तैयार है, उस पर काम चल रहा है, 25 टीमें हमारी बनाई गई हैं
टोटल 50 हो जाते हैं, जो रोज 100 ग्रामों का दवा वितरण, सफाई, लार्मिसाइडल स्प्रे, इसमें कार चल रहा है, क्लोरिन के टैबलेट मारते जा रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर से नर्व संक्रमित किए जा रहे हैं, जिससे कि संक्रामक रोग को फैले ना, निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित हो जाए और पर्याप्त मात्रा में सब टीमों को दवाएं दे रहे हैं। यदि कोई मरीज किसी बीमारी से ग्रसित होता है, उसको दवा उपलब्ध कराई जा रही है। देखिए समय लगता है, 85,000 कोई छोटी संख्या नहीं है, ये बहुत बड़ी संख्या है। सामान तैयार हो जाता है, सामग्री तैयार हो जाती है, लेकिन बांटना जो है वो नाव से लेकर जा रही है गाड़ियाँ। पहले गाड़ी से किनारे तक जाती है, उसके बाद नाव में लादा जाता है और नाव से फिर गांव में पहुंचाया जाता है। तो लगभग जो वितरण हो रहा है वो लगभग 9,000-9,500 पैकेट रोजाना बांटे जा रहे हैं और 85,000 में से 75,000 से ज्यादा परिवारों में राहत पहुंच चुकी है और कल शाम तक ये पूर्ण हो जाएगी। अगर मांगेंगे हम लोग बिल्कुल मांगेंगे, वैसे कोई कमी नहीं है, धन की कोई कमी नहीं है, राशन की कोई कमी नहीं है। देखिए विचार करते हैं वैसे आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि अधिकतर जो है अभी तक जो बहुत ज्यादा मैं कहूँगा कि पैसे की अभी तक आवश्यकता नहीं पड़ी है, क्योंकि ये जो कार्य है वो बाद में होगा। जो राहत में अभी तो सिर्फ राशन दिया जा रहा है कि कोई भी भूखा ना मरे।